नूरुद्दीन फराह की यह नॉवल फ्रॉम अ क्रूक्ड रिफ्ट को हम सीधा फेमिनिस्ट वर्क नहीं कह सकते। यह वर्क ह्यूमैनिटी पर बेस्ड है। यह कहानी है इबला नाम की एक लड़की की जिसकी एज 18 साल की है, जिसके पेरेंट्स की डेथ बहुत यंग एज में हो गई थी। उसके दादाजी ने उसको पाला पोसा। इबला का एक भाई भी था। उसके दादाजी की बहुत इज्जत थी उसके ट्राइब्स में। ये अफ्रीका का एक ट्रेडिशन भी है कि बुजुर्गों की बहुत इज्जत की जाती है, लेकिन उसके दादाजी एक बहुत ही हाइपोक्रेट इंसान थे, अंदर से एक खोखले इंसान थे। उसके दादाजी ने इबला की शादी एक गुयमाले नाम के एक इंसान के साथ फिक्स की थी। गुयमाले 80-90 ईयर्स का एक बूढ़ा था। उसके दो बच्चे भी थे। इबला वीक माइंडेड गर्ल नहीं थी, हालांकि उसने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था जिसे दूसरों को हर्ट हो। वो अगर गुयमाला से शादी नहीं करती तो उसके दादाजी को बुरा लगता, पर वह गुयमाला से शादी भी तो नहीं कर सकती थी। वह भागने का सोचती है, एस्केप करने का सोचती है। हम देखेंगे आगे कि इस कहानी में इबला कई बार इंट्रोस्पेक्ट करती है, मतलब अपने एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग अपने आप से सवाल करती है। वह सोचती है कि विमेन विमेन की होती है, उसकी ड्यूटी क्या होती है। एक मैन को हमेशा एक विमेन चाहिए, लेकिन क्या मैन को इस बात का एहसास है? क्या यह एस्केप करने का ख्याल गुमिल्ला से बचने का है, या यह उसकी एक पुरानी डिजायर है बचने की? उसके पास कोई जवाब नहीं होता, और वह एस्केप और फ्रीडम को इंटररिलेट मानती है। वह एस्केप करने का मन बनाती है और सुबह होते ही अपने शूज और शीट लेकर दबे पाव अपने गांव से बाहर आ जाती है। वह डैश वेस्ट डायरेक्शन में जाती है और बेलेटवेरे नाम के एक शहर की तरफ जाने वाले ट्रैवलर्स का इंतजार करती है। वह पेड़ के पीछे छिपकर भगवान का नाम लेती है और सोचती है कि वह ट्रैवलर से सच कहेगी या झूठ। तभी उसे प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा कही गई बात याद आती है कि जरूरत पड़ने पर हम झूठ बोल सकते हैं। पर वह भी सोचती है, पर क्या अभी इस टाइम झूठ बोलना जरूरी है? ट्रैवलर्स आ जाते हैं और उनमें से एक उससे पूछता है कि इबला तुम कहाँ जा रही हो? इबला कहती है कि वह बीमार है और उसे कपड़े भी खरीदने हैं। ट्रैवलर्स उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वे बैरेट वैन पहुंचते हैं और इबला सोचती है कि यह कितना बड़ा शहर है। वह एक एक इंसान को चीजों को गौर से देखती है। उसे हर चीज अपने गांव से अलग लगती है। वह ट्रैवलर से अपने कजन के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है उसके कजन की वाइफ प्रेग्नेंट है और उसे एक मेड भी चाहिए। ट्रैवलर्स इबला को कजन के घर के पास छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। इबला अब अकेली है और जानती है कि शहर की दुनिया उसकी गांव की दुनिया से अलग है। वह अचानक देखती है कि एक गाय और उसका बच्चा भूखा है। वह ग्रास तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वह ग्रास दूर है। इबला अपना रूप रखकर गाय के और उसके बच्चे के पास जाती है और उन्हें ग्रास खिलाती है। तभी कोई पीछे से चिल्लाता है। वह इबला से पूछता है कि उसे किससे मिलना है। इबला कहती है कि उसे अपने कजन गीदी से मिलना है। वह आदमी बताता है कि वही गीदी है और उसे अपने घर ले जाता है। वह उसके घर जाती है और घर को देखती है। वह यह भी कहती है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। गीदी की वाइफ अवरोला 9 से प्रेग्नेंट होती है। वह और इबला कुछ देर चुप होकर आपस में बातें करते हैं। इबला गीदी की काऊ से दूध निकालना और घर के छोटे मोटे काम करना शुरू कर देती है। वह बाद में अवरोला का ख्याल भी रखती है और उसकी डिलीवरी में हेल्प भी करती है। अवरोला एक खूबसूरत बेबी गर्ल को जन्म भी देती है। एक दिन अवरोला के घर में एक वुमेन आती है। वह एक विडो होती है, हालांकि नॉवल में इस विडो का नाम नहीं दिया गया है। विडो और इबला काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। विडो इबला को बहुत सारे बातें बताती है। हमें पता चलता है कि विडो के दो पति थे। एक ने उसे डिवोर्स दे दिया था और दूसरा मर गया था।
एबला विडो के घर में कई बार आती जाती रहती है और उसकी मुलाकात एविल से होती है। एविल ऑफिस में एक क्लर्क था। एबला शुरुआत में ऑफिस, गवर्नमेंट जैसे शब्दों को समझ नहीं पाती और धीरे धीरे सीख जाती है। बाद में वह पुलिस का मतलब भी जानती है। उसे यह पता चलता है कि शहरों में ट्राइब्स नहीं होती बल्कि सोसाइटीज होती हैं। गिदी जो एबला का कजन था, शुरुआत में तो एक अच्छा इंसान लग रहा था, पर वो असलियत में एक स्मगलर था और उसने एबला को भी अपनी स्मगलिंग के धंधे में उलझा दिया था। बाद में उसका माल पकड़ा जाता है और वह एबला को उस बात के लिए कोसता है कि यह लड़की अनलकी है, और जैसे ही वह आई है उसका माल पकड़ा गया। वह एबला को घर से निकलने को कहती है। एबला विडो के घर जाकर थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है। अगले दिन गिदी घर आता है और एबला की बहुत तारीफ करता है। वह कहता है पुलिस वाले ने उसको छोड़ दिया और उस पर सिर्फ फाइन लगाया है, और वो फाइन बेफ्टो जो उसकी सबसे अच्छी गाय थी उसको बेचकर फाइन भर देगा। गिदी एबला को बाहर भेजता है यह कहकर कि उसे अपनी वाइफ को कुछ पर्सनल बात करनी है। एबला विडो के घर चली जाती है और तब उसे पता चलता है कि गिदी ने एबला की शादी डिरील नाम के एक ब्रोकर के साथ फिक्स कर दी है और उसके बदले गिदी को पैसे मिले हैं। वह यह भी कहती है कि हम औरतें को तो कैटल की तरह हैं, हम पर कोई भी हक जमा लेता है और कोई भी बेच देता है। एबला घर जाती है और फिर से एस्केप करने का सोचती है, पर फिर से वही सवाल है कि कैसे एस्केप करे, किसके साथ करे। एकाएक उसे विडो के भतीजे एविल की याद आती है। वह अपनी शादी का जोड़ा लेकर विडो के घर जाती है। एविल वही होता है और एक नोवेल पढ़ रहा होता है। वह दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि वह एलोप करेंगे। विडो भी दोनों की हेल्प करती है। एविल और एबला मोगाडिस्क्यू नाम के एक शहर में भाग जाते हैं और एबला बस में सो जाती है। कुछ देर बाद दोनों मोगाडिस्क्यू में पहुंच जाते हैं। एविल और एबला एक कमरे में जाते हैं। एविल एबला के साथ सेक्स करना चाहता है पर एबला मना करती है। वह भागने से पहले एविल को किस नहीं करती। वह कहती है कि पहले एविल और उसकी शादी हो, उसके बाद ही वह ये सब करने को तैयार है। वह सोचती है कि औरत शादी के बाद अपने पति को सब कुछ दे देती है, यहाँ तक कि उसका पति उसे कितना ही मारे पीटे उसके बावजूद वह अपना फर्ज निभाती है। एविल अब नहीं मानता और वह एबला के साथ सेक्स करने लग जाता है। एबला वर्जन थी तो उसे बहुत पेन होता है। एविल हालांकि अपना वादा पूरा करता है और शेख को बुलाकर एबला से शादी करता है। वह दोनों फिर सेक्स करते हैं और एबला को इस बार पेन होता है पर ज्यादा नहीं। तभी हम आंट आशा के करेक्टर से मिलते हैं जो एक लैंड लेडी होती है और एबला और एविल को खाना भेजती है। हम एविल के दोस्त जामा से भी मिलते हैं जो एविल का ऑफिस कलीग भी होता है। हालांकि एबला शुरुआत में उससे बात नहीं करती। एविल एबला को बताता है कि वह 7 दिन बाद 3 महीने के लिए इटली चला जाएगा। उसकी एब्सेंस में आंट आशा उसका ख्याल रखेंगी और उसे पैसे दिया करेगी और वह भी इटली से उसे पैसे भिजवा दिया करेगा। एविल इटली चला जाता है और एबला शुरू के 7 दिन आराम से बिताती है एकदम अकेले। एक दिन जामा आता है और एबला को कुछ पकड़ाकर चला जाता है और उस टाइम आंट आशा भी एबला के साथ होती है। एबला को एक पिक्चर दिखती है। उस पिक्चर में एविल एक वाइट वुमन के साथ होता है और उसे उसकी और एविल ने उसकी वेस्ट पर हाथ रखा होता है और दोनों एविल और वो वाइट वुमन स्विम सूट में होते हैं। एबला यह देखकर सदमे में होती है और जामा वहां से चला जाता है। आंट आशा उसे संभालती है और 1-2 दिन बाद उसे बताती है कि टिफो नाम का एक आदमी एबला पर नजर रख रहा है। वह आदमी मोटा है और एबला से शादी करना चाहता है। थोड़ी देर बाद वह सोचती है कि क्या वह रिवेंज ले सकती है एविल से, क्या करना चाहिए उसे। वह हमेशा दूसरों के डिसीजन पर चली और इस बार
क्या वह दूसरों के डिसीजन पर चलेगी? उसने आंट आशा से भी कहा कि वह टिफो से मिलना चाहती है। आंट आशा एबला को टिप्स देती है और उन दोनों की एक मीटिंग अरेंज करती है। टिफो और एबला बाद में शादी करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वह शादी सीक्रेट रहेगी। टिफो कभी कभार एबला से मिलने आता है, उसके साथ सोता है और पैसे देकर चला जाता है। एक दिन एबला से मिलने के लिए गीडी की जो नेबर होती है विडो, वो आती है और वह अपने साथ एबला के भाई को भी लाती है। एबला का भाई बताता है कि जिस दिन एबला गांव छोड़कर चली गई थी, उसी दिन उसके दादाजी की भी डेथ हो गई थी। उसके भाई ने शहर में रहने से भी मना कर दिया। एक दिन एबला टिफो को बताती है कि वह भी ऑलरेडी शादीशुदा है। टिफो इसे मजाक में लेता है, पर एबला उसे बताती है, उसे कन्विंस करती है कि उसकी सच में शादी हुई है। जब टिफो एक शादीशुदा होते हुए दूसरी बार शादी कर सकता है तो एबला क्यों नहीं? पर टिफो इस बात को क्या समझे। टिफो कहता है कि वह मर्द है और एबला एक औरत, और वह इक्वल नहीं हो सकते, और टिफो एबला को डिवोर्स दे देता है। एक दिन एबला के घर कुछ शेख आते हैं और एबला को कुछ पीने के लिए देते हैं। एबला उसे पीती है और उसे वॉमिटिंग जैसा लगता है। वह वॉशरूम जाती है और उसे आते टाइम कोयला खाती है, जो कि एक प्रेगनेंसी का सबूत होता है, एक साइन होता है। उससे पहले वह अपनी बॉडी को इंस्पेक्ट करती है और देखती है कि उसका शरीर एक प्रोस्टिट्यूट की तरह हो गया है। वह शीशे के सामने खड़े होकर भी अपने आप को इंस्पेक्ट करती है। अगले दिन टिफो भागा भागा आता है और कहता है कि उसकी वाइफ आडो इबला को मारने आ रही है। आडो कहां आ जाती है और लेकिन आंट आशा के सामने वह कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि आंट आशा उसकी बचपन की सहेली रह चुकी है और वह उसे मार भी खा चुकी है। थोड़े दिनों बाद एविल आ जाता है और फोटोग्राफ देखकर जामा को कोसता है। एबला आती है और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। एविल बाथरूम जाता है और नेक्ड बाहर आ जाता है। एबला भी न्यूड हो जाती है। दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं कि वह कल एक दूसरे को सब कुछ सच सच बताएंगे जो इन 3 महीनों में हुआ। दोनों एक दूसरे को बाहों में लेते हैं और एबला मुस्कुराते हुए भी उसके शरीर की गर्माहट को महसूस करती थी। तो ये है हमारी कहानी फ्रॉम अ क्रूड रिप की। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू।